हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओईएसएफ फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सदीक। मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई, लेकर हाजिर हैं आप लोगों की फरमाइश पे एक बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो। उस दिन अबू हमने देखा था 100 बेस्ट किशोर कुमार के सॉन्ग्स। हाँ। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कुमार सानू के सॉन्ग्स। अच्छा। हाँ, अब ये देखना है ये कौन से सन के सॉन्ग हैं, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, क्या हैं। लेकिन 100 बेस्ट हैं कुमार सानू के। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम में ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। लोगों ने सुना होगा
दिल है
ये मेरे ख्याल से वो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की है। करूं ये तो कूली नंबर वन का गाना है इसके अंदर, ये वो तो गोविंदा की मूवी थी, ये क्या कर रहा है यहाँ पे रीमेक किया हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। बहरहाल इसमें जो सबसे ज्यादा जो मतलब मेरे फेवरेट सॉन्ग है ना वो आशिकी के जितने भी सॉन्ग है ना वो सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग थे, और इसमें जितने भी थे ये सारे सुने हुए थे और बहुत चार पांच के, और वो जो एक जो बहुत ही खास था वो बरसात के दिन हमारी शादी का गाना था ना, उसमें मतलब कि शादी की मूवी में करवाया हुआ था अब्बू ने, तो ये गाना तो खैर भूलता ही नहीं है, वो गाना खैर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी बहुत अच्छा अब्बू ने, तो ये अब्बू ने कितने सुन रखे हैं क्योंकि इसमें कुछ मतलब ये तकरीबन सुन रखे हैं बहुत चलने वाले, मतलब ये तो फेमस सॉन्ग है, बहुत फेमस है वाकई में बहुत ज्यादा। कल भी बताया था कि मजदाओं में गाड़ियों में इंडियन ही इंडियन है, और ये गाने सफर के दौरान भी सुनते हैं, और सफर करते फिल्में में इतनी इनकी नहीं देखी, आशिकी मैंने पूरी देखी थी, उसके सारे टॉप के गाने हैं, स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त थी, स्टोरी भी वो देखने के काबिल थी। तो इसमें जो सबसे जिसे कहते हैं ना गोल्डन नंबर मैं दूँ, मेरा पसंदीदा जो है भरी तो ये मेरा मैं अक्सर जब हालांकि वो फिल्म इतनी हिट नहीं हुई थी, फिल्म गाना हिट हुआ था लेकिन उसके कोई दो तीन गाने हिट हो गए। हाँ फिल्म तो मैंने देखी ही नहीं, लेकिन ये गाना मुझे इतना पसंद था कि जब टेप रिकॉर्डर का ज़माना चलता था या बहुत ज़्यादा लगा के सुनते थे। बाकी ये गाने तमाम ही हिट हैं कुमार सोनू के, और कोई गाना ऐसा नहीं है जिसमें बोर हो, एक दो गाने ऐसे होंगे जो शायद हमने ना सुने, बीच में कुछ थे चंद गाने ऐसे जो नहीं सुने थे, बाकी तो ज्यादातर तो सारे सुने रहे अच्छा, वैसे और अभी भी ऐसे ही सुनते हैं। अभी तो वैसे भी आपके बहुत सारे फेवरेट बाकी हैं, लता मंगेशकर हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, इसके अलावा अलका याग्निक हैं, और वो आशा भोसले, पता नहीं कितनों के इस तरह से हमें मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि भाई आप फलां के सुने फलां के सुने। अच्छा वो पुराने सॉन्ग मतलब मेरे वालिद जब काम करते थे वो लगाते, हम छोटे छोटे थे
तो उनके वो जो सॉन्ग सुनते थे ना बहुत पुराने, वो भी हमें इतने अच्छे लगते। अब वो अगर कभी आए आंखों के आगे तो मैं बताऊंगी कि ये सॉन्ग मैंने बचपन में सुना हुआ है। हाँ, वो ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आगे ऐसी वीडियो अगर और आई तो फिर उसमें बताएंगे। रेडियो पे कुछ बर्गर बेच रहे ऐसी टेप में बजाते थे, लगाया वो होता था डैक वैक और पुराने गाने कैसी लगाई होती थी, पुराने सॉन्ग चल रहे होते। मेरी उम्र के जो ये कारोबार करने वाले लोग हैं आज भी उन्होंने ये डेक लगाए हुए हैं और पुराने गाने। और मैंने इसके अंदर जितने भी सॉन्ग थे ना उनकी तकरीबन फिल्में देख रखी। मैंने नहीं, हाँ, मुझे तो बस मैंने तो अब ये बहुत देखी है। गाने तो बड़े अच्छे लग रहे थे लेकिन देखने को जी नहीं चाह रहा था, मजबूरी है कि बैठे हुए, क्योंकि इसमें जोड़ियों का बड़ा साथ है और अजीब अजीब तरीके से साथ होता है, लेकिन गाने सारे सुपर ही। चले भाई, खैर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़।